उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार 18 नवंबर को हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया था। इसके बाद से प्रदेश भर में जगह जगह हलाल प्रमाणित उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम ने 20 से अधिक दुकानों पर छापे मारे और वहां से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जब्त किए। इसी को लेकर विभाग की टीम ने डीएलएफ मॉल से हलाल प्रमाणित चिप्स, टॉफी और मैजिक स्टिक्स के सैंपल लिए हैं। इसके अलावा चिप्स के 5 पैकेट भी सीज कर जांच के लिए 3 सैंपल भी भरे। शहर से गांव देहात तक जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की 6 टीमें लगाकर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का विशेष फोकस मॉल और सोसाइटी के मार्केट में ग्रोसरी शॉप्स पर है। इसके अलावा शहर की बड़ी मार्केट जैसे सेक्टर 18 अट्टा मार्केट, सेक्टर 27 इंदिरा मार्केट, सेक्टर 104 हाजीपुर मार्केट, ग्रेटर नोएडा स्थित जगत फार्म, दादरी बाजार, नया बांस और हरौला मार्केट, ब्रह्मपुत्र मार्केट समेत अन्य जगहों पर भी छापेमारी जारी है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने बताया, हलाल प्रमाणित उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ ही इनकी रोकथाम को लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दुकानदारों को प्रतिबंधित हलाल प्रमाणित उत्पाद नहीं बेचने की सलाह दी जा रही है। टीम मॉल और कॉम्प्लेक्स में खुले रेस्टोरेंट में भी पहुंच रही है, जहां बड़ी मात्रा में नॉनवेज तैयार किया जाता है। अफसरों के मुताबिक रेस्टोरेंट में पैकेट बंद मीट की डिमांड ज्यादा रहती है, साथ ही यहां मीट को स्टोर करके भी रखा जाता है। सभी को हिदायत दी जा चुकी है, छापेमारी के दौरान यदि कोई भी नियमों की अनदेखी करते पाया जाता है तो उसकी बिक्री बंद कराकर नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। आपको बता दें, हलाल का मतलब यह है कि इस्लामी कानून का पालन करते हुए उत्पाद को तैयार किया गया है। साल 1974 में हलाल प्रमाणिकता की शुरुआत हुई थी। ये साल 1993 तक सिर्फ स्लॉटर मांस उत्पादों पर लागू था, लेकिन बाद में अन्य खाद्य उत्पादों, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों समेत कई चीजों के लिए किया जाने लगा।